वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की चुनौतियों से निपटने तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दावा शेरपा मंडलयुक्त जैन नालिकर, DIG रेंज राजेश डी मोलरक, प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह, SSP जोगेंद्र कुमार, AD हेल्थ डॉक्टर JM त्रिपाठी, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने COVID-19 के टेस्टिंग में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जो भी टेस्टिंग की गई है उसकी डाटा की एंट्री सही से किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉन्टैक्ट टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जाए तथा उसके गुणवत्ता पर वह विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाने में कुछ ज़िले नाकामयाब साबित हो रहे हैं, इसलिए उन ज़िलों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना के इलाज में किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कानपुर नगर और लखनऊ, इसमें केसेस बढ़ने के बाद अब आपके थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया है, अभी भी 10% से ऊपर है पॉजिटिविटी। और ऐसे ही कानपुर में आपकी पॉजिटिविटी भी गिरी है। ये मुरादाबाद और झांसी का है, झांसी में RT-PCR तक गई थी पिछले वीक, उसके बाद के वीक में 14% स्टेबल हो रहे हैं। आपका 3-4 वीक से केसेस में आपके स्टेबल चल रहे हैं, लेकिन आपके भी थोड़ा सा फॉलिंग ट्रेंड आया है। लेकिन आपके यहाँ एक खास चीज ये है कि आपके जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है वो ज्यादा है, और तो आप उसको भी आप देखें कि RT-PCR के सैंपल्स किस तरह के हो रहे हैं। आप थोड़ा फॉल करना शुरू किया है, PCR की पॉजिटिविटी वो अभी भी 10% है, 22 केस हुआ है, पॉजिटिविटी 1% के आसपास है, और ललितपुर की भी पॉजिटिविटी काफी कम है। ये जो 75 जिलों का अभी मैं नहीं मैं आपको फिर मैंने बनाया है वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप अपने जिले का देख लीजिए। नेक्स्ट वीक जो हाई डेंस है वो कानपुर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, ये अगस्त में भी आप ऊपर चल रहे थे, सितंबर में भी आपके केसेस ज्यादा है। सदस्य टीम गई हुई है, इसमें लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर और कानपुर नगर है। इनमें से कुछ जनपदों ने काफी सुधार किया है, जिसमें से 2 जनपदों का भी यहाँ प्रेजेंटेशन आप सबके सामने आया है। एक तो गौतम बुद्ध नगर जनपद है जिसने अपने यहाँ इस जनपद में जो CFR है काफी अच्छी स्थिति में लाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, और दूसरा आगरा है जहां पर COVID-19 का उत्तर प्रदेश का पहला केस पाया गया था, और वही जून में तो वहां की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। बाद में वहां पर टीम वर्क के कारण काफी हद तक उसे नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो टीम हमारी फील्ड में गई हुई है, मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, पिछले 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की होगी। मैं पहले लखनऊ के बारे में अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज क्या बता पाएंगे इसके बारे में? हम लोगों ने 2 दिन जो फैसिलिटीज को देखा और जो मीटिंग की, उसके बाद जो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है सर, वो सबमिट किया गया। लखनऊ में बेसिकली ये सर अभी तक 5,84,000 लगभग टेस्ट किए गए हैं, इसमें यूनिक टेस्ट 4,77,000 है और पॉजिटिव केसेज 51,284 है। आज की तारीख में सर लगभग 6,000, यानी जो 6,000 लोग घर में रह रहे हैं उसमें से 4,800 लोगों को प्रयास हो रहा था, इसलिए इतनी खराब स्थिति। नंबर ऑफ डेथ सर्वाधिक इस समय लखनऊ की, इसको कंट्रोल करना, अगर समय पे बेहतर सर्विलांस है तो डेथ रेट आपका अपने आप कंट्रोल हो जाएगा।
आपकी आरआरटी कहाँ है, एक सर्वे की टीम कहाँ है, क्या कर रही है, मखनो इसको देखें एक बार, और यहाँ के मंडलायुक्त के साथ, यहाँ के जिलाधिकारी के साथ, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, SCPGI और KGMU में तो बाद में जाएंगे लोग, पहले तो लोकल स्तर पर जो आपको स्वयं प्रशासनिक स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करना उसको ठीक करें।